नमस्कार दोस्तों, ज्ञानोदय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पहले मनोविज्ञान का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था अभिवृद्धि और विकास या बाल विकास। हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने बाल विकास के सामान्य परिचय और अभिवृद्धि और विकास के अंदर क्या अंतर होता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इस टॉपिक को आगे ले जाते हुए आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के अंदर अभिवृद्धि और विकास के जो नियम बता रखे हैं या हम उन्हें सिद्धांत कहते हैं कि अभिवृद्धि और विकास का विकास में बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है और किन किन सिद्धांतों और नियमों के आधार पर बढ़ोतरी होती है, उन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों अभिवृद्धि और विकास के नियम क्या है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि और विकास के नियम। तो दोस्तों सबसे पहले जो नियम है अभिवृद्धि और विकास का वो है सततता का नियम। सततता का नियम, या हम इस नियम को ये भी कह सकते हैं निरंतरता का नियम। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, सततता और निरंतरता। देखिए सततता से आपको नहीं समझ में आता तो आप ये देखते हैं निरंतरता। निरंतरता का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज का निरंतर विकास होना, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी पक्ष हैं, या वो शारीरिक पक्ष है, चाहे वो मानसिक पक्ष है, चाहे वो भाषाई पक्ष है, यानी कि हमारी अभिवृद्धि। सबसे पहली बात है कि हमारी अभिवृद्धि और विकास का जो क्रम है, अभिवृद्धि और विकास का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। ये कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित क्रम निश्चित समय तक चलती है, परंतु जो विकास है, विकास हमारी उम्र में निरंतर चलता रहेगा, वो सततता के साथ आगे बढ़ता रहेगा, उसमें कहीं भी रुकावट हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी कि सबसे पहले हमारा अगर ये मान लो अभिवृद्धि के अंतर्गत अगर हमारा शारीरिक विकास होता है, अगर हमारा शारीरिक विकास होता है तो शारीरिक विकास के साथ साथ क्या होगा, मानसिक विकास। और ये जो विकास है वो ऐसे नहीं कि सबसे पहले जीरो से हम स्टार्ट करके हम क्या करते हैं 100 तक पहुंचते हैं। तो ये इस आधार पर क्या कि ये नियम चलता है, यानी कि इसमें निरंतरता बनी रहती है, ये नहीं है कभी इसमें रुकावट। हाँ, परंतु इस नियम के अंतर्गत ये है कि इस विकास की गति में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, परंतु इस विकास की गति के अंदर हमें कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, यानी ये रुकेगा नहीं है एक समय पे जाके। इसमें हमें धीमापन, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो विकास क्या है वो बहुत तेजी से होता है और किशोरावस्था तक जाते जाते चरम सीमा पर पहुंच जाता है, और उसके बाद में जो विकास होता है या अभिवृद्धि जो होती है वो एकदम धीमी हो जाती है। तो उसमें उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकता है, परंतु उसमें जो निरंतरता होती है वो निरंतरता क्या है, उस विकास अभिवृद्धि और विकास के अंदर क्या है बनी रहती है। तो ये जो पहला नियम है हमारा सततता का नियम, या हम इसे बोल सकते हैं निरंतरता का नियम। तो ये नियम हमें क्या बताता है कि हमारे विकास के अंतर्गत एक निरंतरता बनी रहती है। जब हम बच्चे का जन्म होता है और मृत्यु पर्यंत तक विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, उसमें कहीं भी हमें रुकावट देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो हमारा नियम है वो पहला नियम था। अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं। जो अगला नियम है हमारा वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। देखिए हमारे मनोविज्ञान के अंदर एक स्पेशल टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। ये टॉपिक हम मनोविज्ञान के अंदर एक स्पेशल टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, परंतु अभिवृद्धि और विकास के अंदर भी एक नियम है व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता के नियम के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति से पूर्णता क्या होता है, भिन्न होता है, यानी कि हमारे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, चाहे वो बुद्धि की अवस्था से देखा जाए, यानी बुद्धि की अपेक्षा भी अगर उनको देखा जाए तो सभी व्यक्तियों की जो बुद्धि जो होती है वो अलग अलग होती है, उनका शारीरिक विकास अलग अलग होता है, उनका मानसिक विकास अलग अलग होता है, यानी कि एक बच्चा जो है वो गरीब परिवार से है, अब इस बच्चे का जो विकास होगा और एक बच्चा जो है अमीर परिवार से है, यानी कि उसके परिवार आर्थिक रूप से वो बहुत मजबूत है और एक बच्चा जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, अब इस बच्चे का जो विकास होगा यानी कि इस बच्चे का खान पान या उस बच्चे का रहन सहन की वजह से जो इसका शारीरिक विकास होगा वो भी क्या होगा, धीमा होगा, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिल सकती है, इसका मानसिक विकास भी क्या होगा, कमजोर हो सकता है, परंतु इस बच्चे की को हर प्रकार की सुख सुविधा मिली है, इसलिए ये बच्चा जो है वो शारीरिक रूप से क्या होगा, मजबूत होगा और क्या होगा, मानसिक रूप से भी मजबूत होगा, यानी कि इसके जितने भी पक्ष होंगे वो सभी पक्षों में क्या है, हमें इसे मजबूती देखने को मिल सकती है, ठीक है, इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं कमी देख रही हो, क्यों, क्योंकि ये दो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, यानी कि इनमें वातावरण का भी असर पड़ रहा है, यानी कि इसका वातावरण अलग है और इसका वातावरण अलग है, ठीक है, तो इसके वंशों का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर हमारी बुद्धि, हमारे वंशानुक्रम, हमारे वातावरण या अन्य कोई भी स्थिति का प्रभाव हमारे विकास के ऊपर पड़ सकता है, जिसके कारण क्या है कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है, बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है पर उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है, इस कारण क्या है, हर व्यक्ति, अब एक बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली हो सकता है, एक बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली है, एक बच्चा का पढ़ाई में क्या है, कमजोर है, तो ये क्या है, ये एक दूसरे से, यानी कि क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हैं तो सभी बच्चों की बुद्धि एक जैसी हमें देखने को नहीं मिलेगी, 10 बच्चे होंगे जो एक बात को समझाने पर एक बार में ही उस बात को समझ जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दो बार समझाना पड़ता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बार बार उस चीज को अन्य अलग अलग विधियों के माध्यम से हमें उन्हें समझाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हर बच्चे का विकास क्या अलग अलग हुआ है, हर बच्चे की वृद्धि अलग अलग हुई है, हर बच्चे का शारीरिक विकास अलग हुआ है, हर बच्चे का मानसिक विकास अलग हुआ है, इस कारण क्या है कि हर बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, हर मनुष्य के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता हमें देखने को मिलती है, यानी कि समाज के अंदर या हमारे पूरे संसार के अंदर क्या है कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, पूर्णतः भिन्न होता है, ये हमारा दूसरा नियम कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नियम की, वो है समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान क्या होता है, प्रतिमान होता है या तो चित्र या फिर हमारी संतति या फिर ये कह सकते हैं हमारे पूर्वजों की जो संततियां थी, यानी कि जैसे हमारे पूर्वज थे वैसे ही क्या होंगे, हम होंगे, यानी कि एक मनुष्य जाति के अंदर अगर एक बच्चे ने जन्म लिया तो कैसा होगा, वो उसी मनुष्य की तरह ही तो दिखेगा, वो बिल्कुल उसी की तरह होगा, अगर किसी बच्चे कोई जानवर का बच्चा है तो वो जानवर की ही तरह दिखेगा, यानी कि उसका जो प्रतिमान होगा या उसका जो चित्र होगा वो बिल्कुल उसी उसके पूर्वजों की सदतियों की तरह होगा, यानी उसी के पूर्वजों के प्रतिमानों की तरह होगा, यानी कि उसके प्रतिमान पर कहीं पर भी हमें असर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि नियम का इतना ही है अर्थ कि मनुष्य का जो बच्चा है वो मनुष्य अगर मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा और एक जानवर का बच्चा जानवर, यानी कि एक बंदर का बच्चा है अगर वो जन्म लेता है तो वो क्या होगा, छोटा सा है वो बंदर की तरह ही होगा, ठीक है, एक हाथी का बच्चा है तो वो क्या है, बचपन से ही क्या होगा, एक विशाल नजर आएगा हमें, ठीक है, हाथी की तरह क्या है, विशाल नजर आएगा, बहुत बड़ा नजर आएगा, ठीक है, एक मनुष्य का बच्चा होगा उसका आकार उसी मनुष्य के आधार पर होगा, ठीक है, तो ये जो होता है वो समान प्रतिमान का नियम कहलाता है, यानी कि प्रतिमान हमारे जो चित्र जो है या प्रतियां जो है या हमारे पूर्वजों की जो प्रतिमान है वो हमारे हमारे विकास पर असर डालती है, यानी कि जैसे हमारे पूर्वज दिखेंगे वैसे ही हम क्या है दिखेंगे, तो ये था हमारा समान प्रतिमान का नियम। इसके बाद हम पढ़ते हैं चार नंबर जो नियम है हमारा, वो है परिमार्जिता का नियम, परिमार्जिता
का नियम। परिमार्जिता का नियम क्या कहता है? परिमार्जित, परिमार्जन या परिमार्जिता क्या चीज होती है? या हम किसी चीज को जब कहीं दूसरी जगह से अर्जित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? परिमार्जिता कहलाता है या परिमार्जन कहलाता है। हम अर्जन कर रहे हैं उस चीज का, कहीं से अर्जित कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी अपने विकास को कहीं से अर्जित करता है, क्या करता है? अपने विकास को कहीं से अर्जित करता है तो वो क्या कहलाएगा? वो परिमार्जिता का नियम कहलाएगा। यानी कि एक व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या है, दुर्लभ है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो क्या करता है कि जिम के अंदर जाकर अगर अपनी बॉडी सुडौल बनाता है या फिर अपना शारीरिक विकास करता है तो क्या है वो उस वो जन्म जाते, यानी ये कह सकते हैं कि हम जो वंशानुक्रम के आधार पर, जो वातावरण के आधार पर उसे जो शारीरिक विकास मिला था वो विकास उसके पास नहीं है, उसने उस विकास को कहां जाकर अर्जित किया है, यानी कहां जिम के अंदर जाकर उस विकास को क्या किया है? अर्जित किया है। यानी कि उसने जिम में जाकर विकास को अर्जित किया है, ना कि वो एक वातावरण से प्रभावित उसका विकास है। ठीक है, एक तो होता है एक व्यक्ति ऐसा है जो वातावरण से ही, वातावरण के घटकों की वजह से ही क्या है, सुडोल है या मजबूत है। एक जो है वो शारीरिक रूप से कमजोर है और वो जिम के अंदर जाकर क्या करता है, अपना विकास करता है या शारीरिक विकास करता है, किसी भी तरीके का विकास अगर वो कहीं पे भी जाकर अर्जित करता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा परिमार्जिता का नियम कहलाता है। यानी कि हम उस विकास को क्या करते हैं? परिमार्जित करते हैं, कहीं से अन्य किसी वस्तु से अर्जित करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो परिमार्जिता का नियम कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो नियम था परिमार्जिता, अगर इसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हम किसी विकास को, हमारे विकास के जितने भी पक्ष हैं, यानी कि शारीरिक विकास है या मानसिक विकास है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भाषाई विकास है, या फिर किसी भी तरीके का विकास जो है, वो अगर विकास हम कहीं से अर्जित करते हैं तो वो अर्जित विकास क्या कहलाएगा? वो परिमार्जिता के नियम के अंतर्गत हमारा परिमार्जन कहलाएगा। यानी हमने किसी कहीं से उसको क्या किया है? परिमार्जित किया है या अर्जित किया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पांच नंबर हमारा जो नियम है, उस नियम में वो है हमारा चक्राकार प्रवृत्ति का नियम। चक्राकार प्रवृत्ति का नियम, चक्राकार प्रवृत्ति का नियम क्या कहता है कि देखो कि हमारा जो विकास था, तो वो सबसे पहले जब हमारा जन्म हुआ, क्या कहते हैं कि जन्म के समय जो विकास होता है वो बहुत तेज होता है, या फिर हम कह सकते हैं तीव्र होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम बाल्यावस्था में पहुंचे तो हमारे विकास के अंदर परिवर्तन होता गया, यानी कि कभी वो धीमा, कभी वो तेज, और किशोरावस्था के अंदर जाते जाते क्या हुआ, किशोरावस्था में जाते जाते विकास क्या हुआ? चरम सीमा पर पहुंच गया, विकास चरम सीमा तक पहुंच गया। यानी कि जन्म के समय से लेकर किशोरावस्था तक हमारे विकास के अंदर अनेकों उतार चढ़ाव में देखने को मिलते हैं। ये कह सकते हैं कि जन्म के समय यानी शिशुअवस्था के अंदर हमारे विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है। उसके बाद में बाल्यावस्था में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, हमारा सभी प्रकार तरीके का जो विकास है वो घट जाता है या धीमापन उसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही हम किशोरावस्था में जाते हैं, हमारे विकास की गति बिल्कुल तेज हो जाती है। यानी कि बाल्यावस्था के एंड में जाते हैं हमारे अंदर अनेकों प्रकार के परिवर्तन, जैसे हमारी आवाज का भारी हो जाना और अनेकों प्रकार के जो दाढ़ी मूंछ का आना, ये अनेकों परिवर्तन हमें अचानक देखने को मिलते हैं। और किशोरावस्था के एंड तक हमारा पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, यानी सामाजिक विकास भी हमारा पूर्ण रूप से हो जाता है। तो क्या है, जन्म के समय यानी कि चक्राकार प्रवृत्ति क्या कहती है हमारा, कि इस तरह से हमारा विकास होता है। यानी कि सबसे पहले हम विकास की गति हमारी क्या होती है, बहुत ही तेज होती है। यानी कि हम कह सकते हैं छह माह, यानी कि ये कह सकते हैं जन्म के समय। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, छह माह के बच्चे में थोड़ा सी गिरावट देखने को मिल सकती है, 12 माह में थोड़ी ज्यादा, उसके बाद फिर एकदम से चढ़ाव। यानी कि
इस तरह से हमारा जो विकास है वो कभी तेज कभी मंद, कभी तेज कभी मंद, इस तरह से हमारा विकास जो है वो आगे बढ़ता रहता है, उसमें एक समान गति नहीं रहती है। ये नहीं है कि वो एक समान, यानी कि जन्म के समय 51 सेंटीमीटर अगर हमारी लंबाई है तो वो इसी एवरेज से आगे बढ़ेगी, ये नहीं होता। वो कभी कम भी हो सकती है और कभी ज्यादा भी हो सकती है, हमारा कोई भी विकास घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, यानी कि चक्राकार प्रगति के हिसाब से चलता है। इसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक का नाम था, एक मनोवैज्ञानिक थी जिनका नाम था हरलोक, हरलोक इनका एक कथन था। इनका कथन क्या था कि जो मनुष्य का जीवन जो होता है, मनुष्य का जीवन घंटे की आकृति के समान होता है, घंटे की आकृति के समान होता है। यानी कि हरलोक ने चक्राकार प्रवृत्ति के नियम के अंदर क्या कहा कि मनुष्य का जीवन जो है वो घंटे की आकृति के समान है, यानी कि घंटा, यानी कि उसने कहा कि जो विकास तो होता है वो घंटे की आकृति के समान चलता रहता है, कभी मन कभी तेज, कभी तेज कभी मन कभी तेज, इस हिसाब से जो हमारा विकास का क्रम जो है वो चक्राकार प्रगति के हिसाब से चलता रहता है। आपसे हम ये नहीं कह सकते कि जो शुरू में जो विकास हमारा जो स्टार्ट हुआ था उसी गति से आगे बढ़ेगा, उसी गति से नहीं बढ़ता है, वो विकास एक बार तेज हुआ है तो एक बार मंद होगा। तो ये जो हमारा नियम था चक्राकार प्रवृत्ति का नियम, वो ये कहता है कि मनुष्य का जीवन, इसमें हरलोक ने कहा कि मनुष्य का जीवन जो है वो घंटे की आकृति के समान है और हमारा जो विकास है वो एक समान नहीं चलकर चक्राकार प्रवृत्ति के हिसाब से चलता है। उसके बाद जो अगले नियम की बात करते हैं, अगला जो नियम है हमारा वो है सामान्य से विशिष्ट का नियम, सामान्य से विशिष्ट का नियम क्या कहता है दोस्तों? देखो, सामान्य से विशिष्ट के नियम के अंदर क्या होता है कि जो बच्चा, सबसे पहले बच्चा जो है वो सामान्य बातों को और सामान्य चीजों को पहले सीखता है और विशिष्ट बातों को और विशिष्ट चीजों को बाद में सीखता है। यानी कि सबसे पहले हमने बच्चे को जब स्कूल में प्रवेश किया उस बच्चे ने, तो सबसे पहला काम उसे हमने क्या सिखाया? हमने उसे पेन पकड़ना या चोक पकड़ना ही सिखाया, यानी उसे बैठना सिखाया सबसे पहले, यानी कि सामान्य चीजों को हमने उसे पहले सिखाया। यानी कि हमने जब उसे जोड़ या घटाव सिखाना शुरू किया तो सबसे पहले हमने उसे एक एक संख्या का जोड़ करना सिखाया, उसके बाद हमने उसे दो दो संख्याओं का जोड़ करना सिखाया, फिर हमने उसे थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए एक अन्य संख्या उसके साथ जोड़ी, या तीन संख्याओं को उसके साथ में जोड़कर हमने उसे जोड़ करना सिखाया। यानी कि पहले सामान्य सी चीजों को सिखाया, फिर उससे थोड़ा सा हार्ड और फिर उससे ज्यादा हार्ड, यानी कि विशिष्ट चीजों की ओर हम आगे बढ़े। यानी कि अगर आप पहली क्लास में किसी बच्चे को साइन थीटा के बारे में अगर बताने लग जाओ तो वो बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो चीज सामान्य नहीं है उस बच्चे के लिए। उसके लिए सामान्य क्या है? वो सिंपल सा एक जोड़ है या उस सिंपल सी गिनती है, जो एक से लेकर 10 तक वो गिनती जो पढ़ पा रहा है या वो बोल पा रहा है, वो चीज उसके लिए सामान्य है। या हिंदी में हमने उसको सबसे पहले उसे पाई बनाना सिखाया, हमने उसे सीधी लाइन खींचना सिखाया, ठीक है। जब वो स्कूल नहीं जाता था तो उसे पेन पकड़ना सिखाया, वो पेन से अजीबोगरीब चित्र बनाने शुरू कर देता है। तो वो चीजें उसके लिए क्या थी? सामान्य थी, यानी कि सामान्य चीजों को उस बच्चे ने सबसे पहले सीखा, उसके बाद में उसने विशिष्ट बातों को सीखना प्रारंभ किया, सामान्य से विशिष्ट की ओर गया। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो किशोरावस्था अंदर हो, चाहे वो प्रौढ़ावस्था में, हर व्यक्ति जो है वो सबसे पहले उस सामान्य चीज को करना पसंद करेगा। उसे सामान्य चीजें पहले आसान लगती है कि अगर सामान्य चीज अगर उसे समझ में आती है तो वो विशिष्टता की ओर आगे बढ़ता है। अगर आप शुरुआत के अंदर ही हम ये देखें तो 12th तक, या हम कह सकते हैं कि 10th तक हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते थे, या हम ये कह सकते हैं जो SST के अंदर जो हम सब्जेक्ट पढ़ते थे, थोड़ा सा सभी सब्जेक्टों का मिक्स मैच हुआ करता था। हम इकोनॉमिक्स भी मिक्स पढ़ा करते थे, ठीक है, ज्योग्राफी भी हम मिक्स पढ़ा करते थे, यानी कि थोड़ा थोड़ा सभी चीजों का संग्रहण हमें उस बुक के अंदर मिलता था। क्यों? उन सामान्य बातों का जो है वो हमें उसके अंदर संग्रहण प्राप्त हुआ होता था उस बुक के अंदर।
उसके बाद में हम विशिष्टता की ओर बढ़े तो हम ये जो बुके थी वो अलग अलग हो गई, हमें विशिष्ट चीजों के बारे में पढ़ने को मिला। और फिर जब हम और भी आगे जाते हैं तो हम एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा अध्ययन कर सकते हैं या पीएचडी जैसे हम बोलते हैं, तो वो चीज क्या है, वो विशिष्टता की ओर जाने का एक रास्ता होता है। यानी कि सबसे पहले हमने सामान्य चीजों को पढ़ा, फिर हम विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो नियम था हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर नियम, वो यही कहता है कि पहले जो है सामान्य चीजों को सामान्य बातों को सीखते हैं, उसके बाद हम विशिष्ट चीजों और विशिष्ट बातों को सीखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट समन्वय का नियम। समन्वय का नियम, देखो समन्वय का नियम, समन्वय का अर्थ समझिए कि एक चीज दूसरी चीज के साथ में क्या करती है, समन्वय बिठाती है, तालमेल बिठाती है। ठीक है, तो ये क्या है, जितने भी हमारे विकास है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारा शारीरिक विकास है या हमारा मानसिक विकास है, ये दोनों विकास क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, समन्वय बिठाते हैं, तालमेल बिठाते हैं। यानी कि जितने भी हमारे विकास है वो एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करके ही आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा शारीरिक विकास अगर हो रहा है तो उसका प्रभाव हमारे मानसिक विकास पर भी पड़ेगा। एक बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो मानसिक रूप से भी क्या हमें कमजोर देखने को मिल सकता है। अगर एक भी विकास के पक्ष के अंदर अगर कोई भी कमी है तो सभी विकास के पक्षों के अंदर वो हमें कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए समन्वय का जो नियम ये कहता है कि सभी जितने भी हमारे विकास के नियम है वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, समन्वय बिठाते हैं या तालमेल बिठाते हैं। तो ये जो हमारा समन्वय का नियम था, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं निश्चित पूर्व कथनीय नियम। निश्चित पूर्व कथनीय नियम, निश्चित पूर्व कथनीय नियम का मतलब कि पहले से किसी विकास के बारे में घोषणा करना या कथन देना। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि हम किसी एक्स किरणों के माध्यम से हम ये बच्चे के ये विकास के बारे में पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा। यानी कि जन्म लेने के तुरंत बाद हम बच्चे के विकास के बारे में कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। या जो हम कह सकते हैं, इस नियम के अंदर दो तरह के बिंदु होते हैं। पहला कौन सा होता है इसके अंदर, पहला होता है महत्वोदयमुखी, दूसरा होता है केंद्र शिरोमुखी। यानी कि हमारा जो विकास जो है वो इन दो बिंदुओं के आधार पर होता है। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वोदयमुखी की। महत्वोदयमुखी में क्या होता है कि हमारा विकास जो है वो मस्तक से शुरू होकर नीचे की ओर चलता है। यानी कि सबसे पहले जो हमारा विकास होता है वो सिर का विकास होता है, यानी कि मस्तिष्क का विकास होता है। उसके बाद हम अन्य शरीर के अंगों का विकास होता है। जब बच्चा जब गर्भावस्था के अंदर होता है तो सबसे पहले उस बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण होना शुरू होता है। जैसे ही गर्भावस्था में बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होना शुरू होता है, उसके बाद में उसके शरीर के अन्य अंगों का विकास क्रम शुरू होता है। और दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है कि केंद्र शिरोमुखी। केंद्र शिरोमुखी में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे केंद्र का विकास होता है। यानी कि शरीर का जो केंद्र जो होता है हमारा, उसका विकास सबसे पहले होता है। और इस केंद्र का विकास पूर्ण होने के बाद में हमारा जो विकास है वो सिरों की ओर चलने लग जाता है। यानी कि सबसे पहले हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ या सिर का विकास हुआ, उसके बाद में हमारा विकास केंद्र की ओर चलता है। और केंद्र का विकास होता है, केंद्र के विकास होने के बाद में हमारा जो विकास है वो सिरों की ओर चलने लग जाता है। यानी कि निश्चित पूर्व कथनीय नियम के अंदर दो अलग अलग कथन जो है हमारे सामने, वो है महत्वोदयमुखी नियम और एक है केंद्र शिरोमुखी। केंद्र शिरोमुखी और महत्वोदयमुखी में यही है कि सबसे पहले हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसके बाद में शरीर के अन्य अंगों का। और केंद्र शिरोमुखी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमारे केंद्र का निर्माण होता है और फिर केंद्र के बाद में शिरों का विकास शुरू होता है। इसके अंदर हमें दो कथन है हमारे सामने। सबसे पहले जो कथन है वो है फ्रैंक का, और दूसरा जो नियम है वो है गेसलियो का। फ्रैंक का जो नियम है वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक
चौड़ा मार्ग है, चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। यानी फ्रैंक फ्रैंक के अनुसार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा जो है वो एक चौड़ा मार्ग है और जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। यानी कि इस कथन के अंतर्गत इस फ्रैंक ने एक ये कथन दिया था अपना, उस कथन के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गेटले, और गेटले का जो कथन है गेटले का जो नियम है वो है व्यक्तिगत व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति का। यानी कि गेटले के अनुसार जो कथन है वह व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति का है। फ्रैंक फ्रैंक के अनुसार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। तो ये तो ये थे हमारे अभिवृद्धि और विकास के नियम। इसके बाद हम बात करते हैं विकास के परिवर्तनों की, कि हमारे विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस आधार पर परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकास के परिवर्तन। विकास के परिवर्तनों में सबसे पहले हम बात करते हैं आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन का क्या होता है कि सबसे पहले हमारा शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास के अंदर क्या होता है कि हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारी चौड़ाई बढ़ती है, या हमारे जितने भी शारीरिक पक्ष हैं, शारीरिक पक्ष के अंदर जो जो चीजें होती है वो सभी क्या है, हमारा भार, ये सभी क्या है शारीरिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं, हमारी लंबाई चौड़ाई भार, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है वो शारीरिक विकास कहलाता है। वो आकार में परिवर्तन, यानी कि हमारे अगर हमारी लंबाई बढ़ेगी तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, आकार में परिवर्तन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मानसिक विकास की, यानी मानसिक विकास होगा तो मानसिक विकास के अंतर्गत क्या होगा, चिंतन, हमारे चिंतन के अंदर परिवर्तन, चिंतन शक्ति के अंदर सोचने की जो नजरिया है वो भी बदलेगा, हमारी बुद्धि के अंदर परिवर्तन। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी विकास क्रम के अंदर तो हमारी बुद्धि परिपक्वता की ओर बढ़ेगी और हमारा अनेकों प्रकार का विकास इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं संपर्कते की, हमारे संपर्कते का विकास। संपर्कते क्या होता है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या होता है कि जो चीज हम जिस चीज के बारे में हमारे हमने देखी है या जिस चीज को हमने देखा हुआ है या जिस चीज का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका चित्र जो है हमारे मस्तिष्क में अगर बनता है तो वो क्या कहलाता है, संपर्कते। अगर आपको मैं बोलूं कि गाय, तो गाय को नाम सुनते ही क्या है आपके जो मस्तिष्क के अंदर क्या बना, एक चित्र बना कि गाय इस तरह से होती है, यानी कि आपका गाय का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। तो चित्र बना तो आपने समझ लिया कि अब गाय ऐसी है तो गाय का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो यही क्या कहलाता है, संपर्कते कहलाता है। तो ये सब चिंतन बुद्धि या संपर्कते जितने भी मानसिक विकास के पहलू है उनका अगर विकास होता तो वो आकार के अंदर परिवर्तन हमें वो आकार के अंदर परिवर्तन में आता है या उसके अंदर सम्मिलित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। अनुपात के अंदर परिवर्तन का अर्थ क्या होता है कि पहले जो जैसे ही हमारा जन्म हुआ हमारा शारीरिक विकास होना शुरू हुआ और शारीरिक विकास के साथ साथ क्या है हमारा मानसिक विकास भी होना शुरू हुआ और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमारा सामाजिक विकास भी हुआ, ठीक है। तो जितना हमारा जन्म के समय हमारा विकास हुआ था उस विकास के अंदर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि पहले जन्म के समय जैसे हमारी जो हाइट होती है बाल्यावस्था के दौरान वो होती है 600 वर्ष के दौरान 51 सेंटीमीटर,
और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारी हाइट में क्या बढ़ोतरी होगी, तो उसके अनुपात में भी हमें देखने को परिवर्तन, यानी कि पहले जितना विकास था और अब जितना विकास है उसमें हमें बहुत सारा अनुपात हमें अंतर देखने को मिलेगा, वो अनुपात में परिवर्तन कहलाता है। ये कि जन्म के समय हमारे पास कुछ गिने चुने शब्द थे बोलने के लिए और आज हमारे पास एक शब्दों का पूर्ण भंडार है, तो वो क्या हुआ कि पहले के जो हमारे शब्द थे और अब सुना जो शब्द है हमारे पास उनमें बहुत सा अंतर देखने को मिला है, यानी कि पहले हमारे पास 2 शब्द थे बोलने को और आज हमारे पास अगर 10,000 शब्द है बोलने को, तो वो क्या हुआ कि इतना अनुपात में परिवर्तन हमें देखने को मिला या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस परिवर्तन के अंदर तीसरा जो परिवर्तन है वो क्या है, पुराने चिन्हों का लोप, यानी पुराने चिन्हों का लोप का क्या अर्थ क्या होता है कि दूध के जो मतलब बच्चा जो होता है या बाल्यावस्था या सारे शेष अवस्था के दौरान क्या होता है कि एक बच्चे के अंदर सबसे पहले दांत आना शुरू होता है, तो दांत में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, उसका एस का ही दांत आता है, यानी कि हम उसे जिसे क्या बोलते हैं दूध का दांत, दूध का दांत। ये जो दूध का दांत जो होता है वो कुछ समय के बाद में क्या है गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है अब क्या अब एस्थाई दांत गिरकर किसकी जगह ले रहे हैं, एस्थाई दांत किसकी जगह कौन ले रहा है, स्थाई दांत ले रहे हैं, तो क्या हुआ पुरानी चीजों का लोप हो चुका है, ठीक है। जैसे पहले आवाज का भारी हो जाना, यानी कि पहले जो बच्चे की आवाज थी वो बहुत ही पतली होती है, उसके बाद में जैसे जो बड़ा होता है या किशोरावस्था में प्रवेश करता है उसकी आवाज में कर्कश, यानी कि एक लड़के की आवाज तो कर्कश हो जाती है और एक लड़की की आवाज होती है वो मधुर हो जाती है, तो पहले जो होती है एक बच्चे और एक बच्ची की या एक लड़की और एक लड़की की आवाज बिल्कुल हमें सेम नजर आती है, बिल्कुल एक जैसी नजर आती है, और जैसे जैसे वो उम्र में आगे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं उनकी आवाज में क्या है हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो क्या हुआ पुराने चीजों का लोप हो चुका है। वह हमारे अंदर हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बचपन में हमारे साथ थी और आज वो चीजों का लोप हमारे शरीर के अंदर हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नए चीजों का उदय, नए चीजों का उदय, यानी नई चीजों का उदय क्या होगा कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जैसे हम प्रवेश करते हैं, बाल्यावस्था के अंदर गन्ने दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी हो जाना, आवाज का कर्कश हो जाना, आवाज का मधुर हो जाना, तो ये क्या चीजें हैं, ये क्या है नई चीजों का उदय हुआ है हमारे अंदर, यानी कि पहले हमारी आवाज एक जैसी थी लड़के और लड़की की और आज हमारी आवाज लड़कों की अलग हो चुकी है और लड़कों की क्या लड़कियों की क्या हो चुकी है अलग हो चुकी है, तो क्या नई चीजों का उदय होगा दाढ़ी मूंछ का आ जाना, तो ये क्या नई चीजों का लोप उदय हो चुका है। तो ये था हमारे विकास के परिवर्तन, उसके बाद हम बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब ऐसे कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले जो विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है बच्चों वो है वंशानुक्रम, यानी कि एक बच्चे का जन्म किस वंश से हुआ है उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं वातावरण की, यानी कि दूसरा जो कारक है वो है वातावरण, यानी कि इन दोनों का जो प्रभाव है वंशानुक्रम और वातावरण उनका प्रभाव हमारे शरीर में 50-50% पड़ता है, यानी कि 50-50% इन दोनों का योगदान होता है, और ये है मनोविज्ञान के आधार पर जो वातावरण का जो प्रभाव है बच्चे के ऊपर वो सर्वाधिक पड़ता है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक बच्चे के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव उसके कौन से कारक का पड़ता है, तो वो कौन सा कारक होगा, वो वातावरण होगा, यानी कि एक बच्चा जैसे मैंने आपको पहले भी एक मोगली की कहानी जो आपने सुनी होगी आपने बचपन के अंदर, वो क्या था कि था तो वो एक मनुष्य है जाति में, उसने कौन से मनुष्य के वंश के अंदर जन्म लिया था, परंतु क्या हुआ उस जन्म से ही वो भेड़ियों के झुंड में रहने लगा, तो क्या होगा भेड़ियों के तरह ही जीवन यापन करने लगा, यानी कि उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा, यानी हर बच्चे के ऊपर एक सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, वातावरण का पड़ता है। दूसरी बात रोग, अगर किसी को रोग है कोई अगर जन्मदात उसे अगर कोई रोग है तो उसका प्रभाव भी उसके विकास के ऊपर पड़ेगा, यानी कि अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है
तो उसका प्रभाव भी क्या है उस बच्चे के ऊपर या उस मानव पर पड़ेगा। या फिर हम बात करते हैं सभ्यता या उसकी संस्कृति, यानी कि कैसी संस्कृति में रहता है, यानी कि एक ऐसे माहौल के अंदर ऐसी संस्कृति में रहता है जहां गाली गलौज या चोरी चकारी जब सबसे ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, वो वैसी ही प्रवृत्ति का बनेगा, यानी चोर ही वो बनेगा। यानी कि उसकी सभ्यता अगर अच्छी है तो वो वैसी सभ्यता के अंदर जी रहने लग जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि परिवार का या उसके समाज का उसके देश का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है, यानी कि किस परिवार में वो बिलोंग करता है, किस समाज के अंदर वो रह रहा है या किस देश के अंदर वो रह रहा है, उसकी संस्कृति की उसकी सभ्यता का प्रभाव भी उस बच्चे के ऊपर पड़ता था। ये है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर किसी और वंशानुक्रम किस वंश के अंदर वो जन्म लेता है उसका प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। उसके बाद में था ये वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है एक बच्चे के ऊपर, यानी कि दोनों का प्रभाव जो होता है वो 50-50% है, यानी 50-50%, परंतु वातावरण का प्रभाव फिर भी सर्वाधिक रहता है हमारे बच्चे के ऊपर। रोग दुर्घटना या चोटग्रस्त, कोई भी बच्चा अगर किसी को रोग हो गया या उसको दुर्घटना हो गई उसके साथ में कोई अंग कट जाता है, तो उसका प्रभाव भी उस बच्चे के विकास के ऊपर पड़ता है। फिर सभ्यता और संस्कृति का और फिर परिवार समाज और देश का प्रभाव भी उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। और या आज हमने ये इसमें पढ़ा अभिवृद्धि के नियम, उसके बाद में हमने पढ़े विकास के परिवर्तन, और हमने पढ़ा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। और आगे हम बात करेंगे हमारे जो विकास की अवस्थाएं हैं, जितनी भी हमारे विकास की अवस्थाएं उन अवस्थाओं के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका। इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।